नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की और भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति चलने से पहले अपनी सुख सुविधा की चिंता करता है, यह तो कांग्रेस का मूल चरित्र है। राहुल गांधी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, पर 40,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। वे उस परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने इस देश को तोड़ने और भारत को तोड़ने का काम किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अक्षय कुमार की फिल्म थैंक्स गॉड मूवी को लेकर कहा कि कुछ हिंदू समाज के संगठन के कार्यकर्ता मुझसे मिलते हैं, कायस्थ समाज के लोग भी मिले थे। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर दिखाया, उसमें निश्चित रूप से चित्रगुप्त भगवान को अनगल रूप में फिल्म आया गया है। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता प्राची कश्यप की रिपोर्ट। बुक कर लिए हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ 400 किलोमीटर चलेंगे। अब देखिए, यही बात है कि चलने से पहले अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करना, यही तो कांग्रेस का मूल चरित्र है। राहुल गांधी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, पर 40,000 की टी शर्ट पहनकर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वो परिवार के सदस्य जिन्होंने इस देश को तोड़ने की और भारत को तोड़ने का काम किया। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर नेशनल हेराल्ड मामले में जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया उस पर चुप है। राहुल गांधी को पहले बताना पड़ेगा नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार को क्यों किया और क्या उसी भ्रष्टाचार से 40,000 रुपए की टी शर्ट खरीदी। अब वो लोग जो नेहरू परिवार की चमचागिरी कर राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। अब इस यात्रा का क्या कुछ है, ये तो लक्ष्मण सिंह के वीडियो और उनके बयान से प्रदर्शित हो गया। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है कि भेड़ बकरी चराने वाले भी पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने से कोई सरकारें नहीं बनती और पैदल चलने से राजनीति नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये लक्ष्मण सिंह ने कहा है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, वो पहले लक्ष्मण सिंह जी का बयान सुन लें, उसके बाद कुछ निर्णय लें। देखिए, थैंक्स गॉड फिल्म को लेकर कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और कायस समाज के कार्यकर्ता मुझसे मिले थे और उन्होंने वो ट्रेलर दिखाया, उसमें निश्चित रूप से चित्रगुप्त भगवान को अनर्गल रूप से फिल्मांकन किया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। और हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में और खासकर वेब सीरीज में लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इसी तरह के अनर्गल फिल्मांकन होते हैं, अपनी फिल्म को कंट्रोवर्शियल कर ज़्यादा बिजनेस मिल सके, इसका जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इन दृश्यों के साथ फिल्म का फिल्मांकन नहीं होना चाहिए, पर उसके साथ ही समाज में भी ये बात जरूर जानी चाहिए कि हम सब मिलकर ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करें। जब फिल्म नहीं चलेगी तो इस तरह के दृश्य भी नहीं आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।